आपको बिजनेस में कभी फायदा नहीं होगा अगर आप उस बिजनेस के बारे में जानकारी पूरी नहीं रखते हैं जो बिजनेस आप करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो बिजनेस आप करना चाहते हैं उसका ओवरऑल आप पूरी तरीके से उसकी जानकारी रखिए, इसके बाद बिजनेस करिए। आज हम आपको जिस बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं उस बिजनेस का इस देश में, हमारे देश में सबसे ज़्यादा लोग मजाक उड़ाते हैं और सबसे ज़्यादा लोग कहते हैं कि ये सिर्फ घाटा ही घाटा देता है, क्योंकि ये बिजनेस है पेपर प्लेट बिजनेस। लेकिन हम आपसे सिर्फ एक सवाल पूछेंगे कि अगर ये बिजनेस ओवरऑल सब लोगों को घाटा देता है तो मार्केट में जो माल बिक रहा है और जो माल उनको बेच रहे हैं तो क्या वो माल वो घाटे में बेच रहे हैं? अगर घाटे में बेच रहे हैं तो खरीदने वाला भी घाटे में खरीद रहा है, यानी कि ओवरऑल आप घाटे की बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ जो भी बिजनेस कर रहा है वो कभी भी घाटे का सौदा कभी नहीं करता, हमेशा प्रॉफिट की बात करता है। अगर हम माल बनाएंगे दूसरे को देंगे तो हमेशा प्रॉफिट में ही देंगे, घाटे में नहीं देंगे। तो आज हम जो इस मशीन की बात करें वो है हाइड्रोलिक पेपर प्लेट मशीन। इस मशीन में आप चाहो तो सिंगल डाई यूज कर सकते हो, यानी सिंगल डाई तो लगी ही है, आप सिंगल रोल में आप चाहो तो इसमें दोने प्लेट बना सकते हो। लेकिन इसी मशीन में अगर आप चाहो तो डबल रोल, तीन रोल, चार रोल, यहाँ तक कि 5 से 7 रोल चला सकते हो। अब नॉलेज की बात इसमें ये है कि मान लो जैसे आपका लाइट का खर्चा तो सेम चल ही रहा है, अब मान लो आपको उसमें 2 HP की मोटर लगी है तो लाइट का खर्चा तो सेम है लेकिन उसका प्रोडक्शन आपका 2 गुना से 5 गुना 6 गुना तक हो जा रहा है। यानी कि अगर आप उसमें एक रोल लगाएंगे तो 1 घंटे में लगभग आपका 1000 से 1200 पीस बना, लेकिन अगर आपने इसमें 5 रोल लगा दिए या 2 रोल लगा लिए तो 2200 हो गया, 5 रोल लगा दिए लगभग 5000 पीस हो गया। और ऐसा है इसमें बनते भी हैं, इसमें 7 रोल तक की भी मशीनें हमने डाल रखी हैं। आप चाहो तो हमारे रील्स वगैरह देख लेना, 7 रोल की मशीन डली हुई है सेम यही मशीन। अभी आप साइड में देख भी रहे होंगे इसमें 2 रोल चल रहे हैं, 2 रोल मैंने इसमें लगा के रखे हैं। केले पत्ते का ये पेपर है तो ये आपकी 4 खांचे की थाली बन रही, लगभग 120 GSM का पेपर है, 1 किलो में लगभग 80 से 85 पीस बनते हैं। और यही माल अगर आप थोक में बेचेंगे तो ये थोक में आपका लगभग 60% का मार्जिन है और फुटकर में आपका डबल मार्जिन है। अब आप 1 घंटे में लगभग आपका 20 रुपये लाइट या 15 रुपये लाइट का खर्चा आया और प्रोडक्शन आपका मान लो 1500 पीस है, लेकिन अगर आपने यहीं 5 गुना प्रोडक्शन कर लिया तो लाइट का खर्चा तो सेम रह ही गया और प्रोडक्शन 5 गुना, तो ऐसे आप अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हो और इस बिजनेस को आप सफल बना सकते हो। सबसे खास बात इसमें और ये आती है कि पेपर की क्वालिटी का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी ने बोल दिया जितना मोटा चाहो उतना पेपर आप लगा दिए, इसके बाद पता पड़े आपका 1 किलो में माल कम निकल रहा है फिर आप लोग बोल रहे हो माल कम निकलता है, ऐसा नहीं है। पेपर की क्वालिटी प्लस पेपर के GSM जो मोटा पतला होता है उस हिसाब से प्रोडक्शन घटता और बढ़ता है। तो आपको ये वीडियो देख लीजिए, इसके अकॉर्डिंग अगर आपको जो भी बिजनेस की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसकी हम जानकारी आपको दे देंगे। और ये मशीन मात्र आपको 55,000 रुपये मिल जाएगी। तो इस दिवाली अगर आप बिजनेस करने का सोच रहे हैं वो भी पेपर प्लेट का, तो आप हमारे साथ कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप इसके बारे में सोच भी रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं तो हमारी आपको रिकमेंडेशन है कि आप एक बार इसके बारे में ज़रूर सोचें, बहुत प्रॉफिट है इस बिजनेस में, पर नॉलेज की ज़रूरत है, कमाते रहो।